Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I am Kiran Khokhar, back with another video for you guys. So, अभी आपने lately देखा होगा थोड़ा सा videos का ना format change हो गया है. मैं यहाँ पे आपको कुछ outfits दिखा रही होती हूँ and साथ साथ मैं talk through भी कर रही होती हूँ. I'm just trying out couple of new things. Also, मैं ये छोटे छोटे videos create कर लेती हूँ अपने reels के लिए, shorts के लिए. So, I try to maximize my content ताकि मैं ज़्यादा effectively content डाल पाऊँ on YouTube as well. So, keeping that in mind, this is why we have changed the format a bit. और ऊपर से I am also hoping कि थोड़े views वगैरह थोड़े build up हो जाएं, फिर वापस हम अपने पुराने वाले format पर भी आ जाएं. But till then, I am trying to maximize whatever best I can at this moment, and I hope you would really appreciate it and also support it because क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट में फ़र्क नहीं आ रहा है, जस्ट थोड़ा सा फॉर्मैट में फ़र्क आ रहा है. सो टुडे आई एम स्टाइलिंग माई चिकनकारी कुर्तीज़ इन द वे आई यूजली वेयर दैम. सो चिकनकारी कुर्तीज़ बहुत सुंदर लगती हैं एंड लखनऊ से आई हुई हैं, ये सब आपको पता ही है. बहुत सुंदर सुंदर थ्रेड वर्क्स में आती हैं. किसी किसी में जो थ्रेड वर्क होता है वो मशीन थ्रेड वर्क होता है, किसी किसी के अंदर हैंड वर्क होता है. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपने चिकनकारी कुर्ती कहाँ से ली है, कितने प्राइस पे ली है, उस बेसिस पे उनकी जो है वर्क डिपेंड करती है. फैब्रिक के ऊपर भी जो है चिकनकारी कुर्ती की कॉस्टिंग डिपेंड करती है. तो मैंने यहाँ पे कुर्तीज़ जो ली हैं कुछ ब्रांड से ली हैं, कुछ लोकल स्टोर से ली हैं. सबके नाम मैं आपको धीरे धीरे बताती भी जाऊँगी और मैंने कैसे उनको बहुत ही बेसिक और सिंपल वे में स्टाइल किया है. हाउएवर चिकनकारी कुर्तीज़ को स्टाइल करना कोई बड़ा काम नहीं है बिकॉज देर वेरी इजी टू स्टाइल, बिकॉज अपने आप में एक स्टेटमेंट आउटफिट की तरह है. बट हियर इन दिस वीडियो आई हैव शोन यू 5-6 वेज ऑफ स्टाइलिंग दैम, लाइक हाउ आई वुड वेयर दैम. कोई एक्स्ट्रा वेगन वे नहीं होने वाला है, ठीक है. बहुत ही सिंपल वेरेबल वेज आई एम शेयरिंग विद यू. सो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू मेक श्योर यू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स वॉच द वीडियो टुगेदर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कुर्ती जो कि मैंने स्टाइल की है. एंड यहाँ पे जो मैंने कुर्ती पहनी हुई है ये है ब्रांड रंग रीति से. इसका प्राइस एंड लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो दैट इफ यू वांट टू बाय इट यू कैन गो अहेड एंड पिक इट अप फॉर योरसेल्फ. सो इसको मैंने स्टाइल किया है प्लाजो पैंट्स के साथ जो कि मैंने अगेन रंग रीति से ही लिए थे. इसके अंदर मैंने आप इयररिंग्स भी देखोगे तो पर्ल डाले हैं जो कि बहुत क्लासी सी फील दे रहे हैं. मैंने एक ब्लॉक हील्स के सैंडल्स जो हैं इसके साथ पेयर किए हैं और एक पर्ल का बैग कैरी किया है एंड आई एडेड सम सिल्वर ज्वेलरी ऑल्सो विद सम इयररिंग्स एंड बैंगल्स इन माई हैंड. बहुत ही क्लासिक वे है टू कैरी, लाइक सपोजिंग यू आर गोइंग फॉर ब्रंच विद योर फ्रेंड्स एंड यू वांट टू वेयर अ नाइस कुर्ती टू दैट लोकेशन. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन पिक फॉर योरसेल्फ. वेरी क्लासिक लुकिंग एंड बहुत ही सुंदर और एसेंस ऐड करती है पूरे लुक के अंदर. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट, यहाँ पर जो है मैंने स्टाइल की है एक शॉर्ट कुर्ती जो कि अगेन मुझे रंगरीती से ही मैंने ली थी और वो कॉटन फैब्रिक के अंदर है और बहुत कंफर्टेबल टू वेयर है. मैंने इसको पेयर किया है अपने फेवरेट डेनिम्स के साथ जो कि आपने मुझे काफी बार पहने हुए देखा होगा. ये रग्ड डेनिम्स हैं, तो ये वाला लुक जो है आप कॉलेज में भी पहनकर जा सकते हो. और इसके साथ मैंने स्टाइल किया है बहुत ब्यूटीफुल से झुमका इयररिंग्स एंड आई हैव आल्सो एडेड बैंगल्स टू इट एंड मैंने एक बोयमेन सा बैग इसके साथ कैरी किया है जो कि मैंने जनपद से लिया था. सो डेनिम्स मेरे ज़ारा से हैं और बैग मेरा जनपद से है. सो ये काफ़ी लुक जो है वो कैजुअल वाइब देता है, बहुत ही बोयमेन वाइब देता है. और अपने डेली वेयर में भी आप इसको पहनना चाहते हो तो इतना हैवी बैग ना लेके इसके साथ कोई जूट बैग कैरी कर लो, इट इज़ गोइंग टू लुक इक्वली क्लासी एंड कूल. सो ये था मेरा सेकेंड लुक. सो थर्ड लुक जो है वो मैंने अगेन ब्लैक कुर्ती ही स्टाइल की है, बट यहाँ पे जो मैंने ब्लैक कुर्ती पहनी है ना, एक तो वो लॉन्ग है और वो घेरे वाली है, प्लस उस पर जो थ्रेड वर्क हो रखा है वो हो रखा है ऑफ ब्लैक ओनली. सो ये वाली कुर्ती काफ़ी ट्रेंड करती है. मेरे पास कोई ब्लैक दुपट्टा नहीं था, वरना फ्रैंकली मैं इसके ऊपर वो ऐड कर देती तो ये बहुत सुंदर लगता. नाउ आई एम गोना ब्रिंग वन ब्लैक दुपट्टा एंड ऐड टू इट फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम, बट अभी मेरे पास कोई ब्लैक कलर का दुपट्टा नहीं था तो मैंने इसको ऐसे ही स्टे करने दिया. इसको मैंने अपने फिटेड पैंट्स के साथ स्टाइल किया है और थोड़ा सा और इसमें चार्म ऐड करने के लिए मैंने बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी ऐड की है और मैंने इसको स्टाइल किया है ब्राउन कलर के कोल्हापुरी चप्पल के साथ. एक मेरे पास ब्लैक कलर का सीक्वेंस बैग था एंड ये पूरा लुक बड़ा ही पार्टी वेयर भी है. अगर आप कहीं कॉकटेल पार्टीज वगैरह भी अटेंड करना चाहते हो एंड यू आर इन अ मूड टू वेयर अ ब्लैक सूट, इसके ऊपर एक कोई सीक्वेंस की अच्छी सी चुन्नी डाल लो
and it is going to look like a bomb outfit. So now let's go into the next outfit, which is a white kurti. Ab hum black kurtis ki baat kar rahe hain, to obviously white chikankari kurti kaise miss kar sakte hain. Isko again maine extra long denims ke sath style kiya hai. I feel like ki jab main aise fitted kurtis ko long denims, extra long denims ke sath pair karti hun, to ye kafi casual yet classic vibe deti hain. Isko maine style kiya hai white color ke flats ke sath. Mera sabse comfortable heel footwear hai ye. Maine pearl bag ke sath isko complete kiya hai. Mera choker jo hai na, uske andar aap dekhoge thodi si glass mirror work ki detailing hai with colorful mirrors, taki mera jo pura outfit plain lag raha hai uske andar thode se colors add ho jaye. But through my accessories I have added jhumkis to it and some bangles to my hands, and I love how this outfit has turned out, and it's a compliment worthy outfit. Now because there was no slip under it, maine iske niche crop top dala hai taki thodi si peekaboo moment rahe. Aap chaho to slip bhi dal sakte ho taki ye pura cover up ho jaye, but mujhe ye aise kafi acha lag raha tha. Now let's check out the next outfit, which is bright orange kurti. ये वाली जो orange kurti है वो भी मैंने रंगरीति से ही ली है, और इसको मैंने style किया है अपने cream color के pants के साथ, like जो आप regular trousers पहनते हो ना उसके साथ मैंने इसको स्टाइल किया है. अगेन द फुटवेयर इज दो सेम वाइट हील्ड फ्लैट्स, एंड आई एम कैरिंग दिस रियली कैजुअल जूट बैग विद इट. मेरे को थोड़ा सा एक ऐसे आर्टिस्टिक फील काइंड ऑफ लुक बनाना था. अगर आप चाहो तो इसके साथ अपना शोल्डर बैग भी कैरी कर सकते हो, ऑफिस वेयर लुक हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा. तो उसके ऊपर मैंने इसमें जो इयररिंग्स डाले हैं वो मिरर वर्क के सिंपल से राउंड इयररिंग्स डाले हैं, और मैंने जो थोड़े से बैंगल्स ऐड कर दिए हैं, और पूरा लुक बहुत ही सिंपल क्लासी येट वेरी फॉर्मल भी है. नाउ लेट्स चेक आउट द लास्ट कुर्ती. दिस वन आल्सो आई हैव गॉट फ्रॉम दिल्ली हाट एंड आई एम इन लव विद इट. एंड जो पैंट्स के साथ मैंने पहनी है वो भी मैंने दिल्ली हाट से ही ली थी, और ये भी कुछ 990 रुपीज में है. और ये ना ऐसे स्ट्रेट कट पैंट्स हैं जो स्ट्रेट कट ट्राउजर्स होते हैं, और इसके अंदर पॉकेट्स भी हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. नाउ इफ यू गोना लुक एट द सिलुएट ऑफ दिस कुर्ती, ये मैंने थोड़ा सा लूज साइज में ली है, और मेरा फील था थोड़ा सा वो पाकिस्तानी सूट वाइब्स होती है ना वैसा कुछ आना चाहिए, तो मैंने उसी लिए इसको बहुत लूज तरीके से पहना है. नीचे इसके फिटेड पैंट्स पहनी हुई है, एंड इसके साथ मैंने कैरी किया है पर्ल बैग, और झुमके डाले हुए हैं, कुछ सिल्वर बैंगल्स डाले हुए हैं. आप चाहो तो इन सब लुक्स के साथ ब्रास ज्वेलरी भी ट्राई कर सकते हो, बट आई समहाउ लव द मिक्स ऑफ सिल्वर एंड चिकनकारी, सो दिस इज वाई इन मोस्ट ऑफ माई लुक्स आई हैव स्टाइल्ड इट विद सिल्वर ज्वेलरी. एंड दैट वॉज द लास्ट लुक यू गाइज. आई होप यू रियली लाइक्ड इट. सो दैट वॉज अबाउट दिस वीडियो यू गाइज. आई होप यू रियली लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड मेक श्योर यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, अदरवाइज यू वोंट गेट टू नो दैट आई एम अपलोडिंग वीकली वीडियोज. एंड आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू बी ऑन द सब्सक्राइब लिस्ट एज वेल, बिकॉज बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है इसका. सिर्फ आपका एक सब्सक्रिप्शन माइट हेल्प विद एल्गोरिदम. ऑल्सो इफ यू विल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट विल ऑल्सो हेल्प विद द चैनल. इफ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट, आई वुड रियली विश दैट यू सपोर्ट मी ऑन द सेम. ऑल्सो दीज आर माई सोशल मीडिया लिंक्स, मेक श्योर यू चेक दम आउट एज वेल. एंड आई अपलोड डेली कॉन्टेंट ऑन माई सोशल मीडिया टू, एंड इफ यू गोना कम एंड सी मी देयर आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट एज वेल. योर लव एंड सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी, आई ऑलवेज से दैट, एंड इफ आई हैव फॉरगॉटन टू से दैट आई एम सेइंग इट अगेन, दैट इट मीन्स अ लॉट दैट यू आर present here on my channel, you watch my videos, you comment. Your love and support means everything to me. So I'm gonna see you in my next video. Until then, lots of love, take care, bye bye.